हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने एंड्रॉयड या आईओएस स्मार्टफोन में डिफरेंट वीडियो के साथ डिफरेंट ऑडियो को कैसे चला सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, वो है MX Player, जो कि नॉर्मली सभी के फ़ोनों में होता है। बट अगर आपके फ़ोन में नहीं है ये ऐप, तो आप आसानी से, बिल्कुल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली MX Player को ओपन करना है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने MX Player को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर से आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाकर इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऑन कर रखा है। इससे क्या होगा दोस्तों, कि पहले तो आपके MX Player में जब आप डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ वीडियो ही चलेगी, बट इसको ऑन करने के बाद आप MX Player में ऑडियो को भी चला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ये खुद में भी एक बहुत बड़ा फीचर है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे स्टोर कर रखी है, इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये सिंपली मेरी एक वीडियो है अनबॉक्सिंग की, यहाँ पे इसकी ऑडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी वीडियो में अपना ऑडियो चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप जिस भी ऑडियो को चलाना चाहते हैं, आपको उसके रूट फोल्डर में डालना होगा जहाँ पर आपका वीडियो है। तो जैसे कि जिस फोल्डर में मेरा वीडियो है, उसी फोल्डर में मैंने ऑडियो को भी रख रखा है। तो ये आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फाइल मैनेजर में जाके ये करना होगा। तो आपको ढूंढना होगा कहाँ पर आपका ऑडियो है और उसको मूव करके आपको डालना होगा अपने वीडियो के रूट फोल्डर में। तो यहाँ पे जैसा कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ऑडियो नज़र आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं इस ऑडियो को चलाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर इसके जो टाइटल है ऑडियो का, उसको बिल्कुल वीडियो के जैसा टाइटल देना होगा। तो यहाँ पर मेरे वीडियो का टाइटल है। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको ये जो ऑडियो का टाइटल हो वो बिल्कुल वीडियो जैसा हो, नहीं तो आपका जो ऑडियो है वो नहीं चलेगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आपको ओके करना है। उसके बाद अगर आपसे ये कुछ ऐसे पूछता है, तो यहाँ पे ओके आपको क्लिक करके फिर जहाँ भी आपका ऑडियो है उस रूट फोल्डर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर लिया सेलेक्ट। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको फिर से इस पर एडिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फिर से इसका टाइटल जो है वो चेंज करना होगा, फिर आपको टाइटल देके फिर ओके पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपका इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको बैक जाना होगा और उसके बाद यहाँ से जहाँ भी आप फोल्डर में जिस भी फोल्डर में आपने उसको रख रखा है ऑडियो को, वहाँ से जाकर आपको उसका नेम चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने जो ऑडियो फाइल की जो नेम है वो बिल्कुल वीडियो के नेम जैसा कर दिया है। तो अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो के साथ। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को प्ले कर लेते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें ऑडियो, उसकी डिफ़ॉल्ट ऑडियो प्ले हो रही है। अब हम जिसको हमने रीनेम किया है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। तो दोस्तों, यही आपको करना था। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो फाइल है ये शो हो रही है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने किसी और वीडियो के साथ कैसे अपनी जो मनपसंद ऑडियो है उसको चला के दिखाया आपको। तो यहाँ पे आपको दोबारा और दिखा देता हूँ, ये इसकी डिफ़ॉल्ट ऑडियो है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी जो ऑडियो है जिसको आपने रीनेम किया है वो यहाँ पर शो होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी किसी भी वीडियो में किसी भी ऑडियो को चला सकते हैं, जिस भी ऑडियो को आप चलाना चाहते हैं। आपको सिंपली यही मेथड आपको फॉलो करना है, यही इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है और किसी भी ऑडियो को आप किसी भी वीडियो के साथ बिल्कुल आसानी के साथ चला पाएंगे। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें, और जो भी आपको अच्छा है बुरा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।